अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी मैंने ये हलीम के लिए दालें जो हैं भिगो दी हैं, वो ही शाही मसाले वाली। तो आज आ रहे हैं वसीम के अबू जी माशाल्लाह खैर से, तो मैंने कहा चलें उनके लिए हलीम बनाते हैं। जब लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो उस दिन उन्होंने जाना था, है ना, तो मैं कहा चलो उनको पसंद है, हलीम बनाते हैं, साथ में कुछ और बनाती हूँ, देखती हूँ। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन को भी चला दिया हुआ है और टाइम है तकरीबन 10 बजने लगे हैं, है ना, तो मैं बस निकलूँ जाके जो चीज़ें आने वाली हैं, जो सामान आने वाला है वो लेके आऊँ। तो आज ही आप सबकी मुलाकात होगी अब्बू जी से। तो यहाँ से जी मैं निकालूँ अपने शूज़, ये शूज़ जो है ना ये रोमा के हैं, तो जब मैं पाकिस्तान, यार चटकियाँ जराबा मैंने बढ़िया वधिया लगदियाँ जी वैसे। चलें जी, अब मैंने जूते पहन लिए हैं, मैंने जूतों को हाथ लगाया, अब मैं हाथ धो लूँ, क्योंकि एक व्लॉग में मुझे किसी ने कहा था आप जूतों को टच करके हाथ नहीं धोते। भाई वो मैंने ख्याल नहीं रहा कि जूते पहनने के बाद भी ना वीडियो बनानी चाहिए हाथ धोने की, तो चलें आज मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये ले, जूते पहनने के बाद हाथ धोए जा रहे हैं, ये मैंने लगा लिया, क्या कहते हैं इसको, हैंड वॉश। ये मैं बताती हूँ मैं कैसे हाथ धोती हूँ। भाई ये कोरोना के टाइम पे हमें सिखाया गया था कि हाथ कैसे धोने हैं, ठीक है। ये लो, आपने भी देखना है कि हाथ कैसे धोते हैं, ये लो धुल गए हाथ, ठीक है। ये तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जूते पहना करूँगी ना, तो मैं इसकी वीडियो बनाया करूँगी। ये आपने मुझे एक नया जो है ना वो क्या मतलब कि क्लिप दे दिया, कंटेंट इनू कहते हैं कंटेंट। चलें, और उसके बाद फिर ये देखें मैंने इससे भी हाथ साफ कर लिए। आप कहेंगे कि आप गीले हाथों से ही बाहर निकल गए, आपने गीले पानी वाले हाथों से ही गाड़ी की चाबी को टच किया, तो ये हल्दी के निशान है, ये नहीं जाते, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो ये थी जी हाथ धोने की रेसिपी जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। चलें जी चलते हैं, बाकी तो सारा घर मेरा सोया हुआ महल बना हुआ है, अब सारे सुते हैं। पहले तो जाके गाड़ी में डीजल डलवाऊं, वसीम ने कहा था कि कोस्को जाएंगे ना, वहां से बड़ा सस्ता है उनके पेट्रोल पंप से, तो पर उनकी करिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ना इधर से ही डलवाना पड़ेगा एसडा के पेट्रोल पंप से। वैसे इसमें पेट्रोल इतना के है कि मैं ना मीट शॉप तो होके मैं वापस भी आ जाना तो डीजल इधर अंदर रहेगा, ये मैं रहने देती हूँ, ये ना मैं वसीम को ही भेजूँगी, वो भी करवा के लाएंगे थोड़ा अबू के लिए कुछ फ्रूट कुछ खाने पीने का सामान। तो चलें जी आ जाए चलते हैं। मैं कल आई थी पर मैं ना कल मीट वगैरह लेके नहीं गई, एक तो फ्रिज में जगह नहीं, फिर लेके जाके फ्रीज बंदा कर दे, हाय नहीं, मुझे लगा मैं पर्स लेके नहीं आई, हाय हाय मेरा तो तरा ही निकल गया, मैंने लगे मैं पर्स नहीं लेके, पर्स मेरा इधर पड़ा हो। देख लो अगर मैं पर्स भूल गई होती तो मैनू तो वापस जाना पै जाना सी, शुक्र है पर्स लेके आई, जहन में नहीं कि लेके आई। तो चलो जी इनू करिए बंद, गड्डी नू ठहर जाओ। चलो तो ये देखें कितना ज़बरदस्त फ्रूट आज सुबह सुबह पड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये देखो ऑरेंजेस, ये लेके जाती हूँ आज, बड़ा ज़बरदस्त सारा कुछ माशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, इसकी अब हो रही है छोटी छोटी सी छोटी छोटी बोटियाँ। चलें जी मीट तो हमने ले लिया, शॉपिंग होगी मीट शॉप से हमारी, अब हम चलते हैं आस्टा, चलो गाड़ी निकालेंगे यहाँ से हम, गड्डी तो नहीं आ रही पीछे कोई नहीं। चलो तो ये जी हम पहुँच गए आस्टा, कोई इन आस्टा कहता है कोई इन एसडा कहता है। और टाइम पता क्या हो चुका है, 10:45 का, और मैंने 3 बजे तक खाना रेडी करना, 3:30 बजे तक, क्योंकि अबू जी ने आना है मगरिब से पहले, अंधेरे से पहले आना है उन्होंने, और आज तो मैं इतने
गंदे हुलिये में आई हूँ। जिस दिन वैसे इस हुलिये में आऊँ ना उस दिन मुझे कोई ना कोई मिल जाता है। जिस दिन त्यार श्यार होके निकले उस दिन कट लोकी हुई ताड़े मत्थे लगनगे। पर क्या करें भाई, नेचुरल ब्यूटी। यहाँ से उठाएंगे ब्यूटी का सामान, आई मीन टमेटोज मुंह पे मले और फिर इसका मैं कहती हूँ चेक करें इसका क्या कहते हैं उसको, की कहने जो भी कहने हो। यहाँ पे रखेंगे कैप्सिकम और जो ट्राली हमने उठाई है खैर से उसकी टांगें खराब हैं टूटी हुई हैं। यहाँ से उठाएंगे लेमन, हलीम का सामान, दलीम बनानी है जी दलीम, किसी ने कहा हलीम नहीं कहते तो आज हम बनाएंगे दलीम। यहाँ से उठाएंगे हम खीरा, हेलो जी टूटी ट्रॉली ने हर चीज़ को तोड़ देना है आज, टांगे इसकी नहीं है सही मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था ये पड़े हुए हैं, ये बीट रूट खाया करें स्किन बहुत अच्छी हो जाती है माशाल्लाह से। लाल मूलियों आ जाओ, आज आपको भी सैलड की जीनत बनाया जाएगा। भाई इस ट्रॉली की एक टांग ना हवा में रहती है, उन्होंने पता नहीं की मसला है, पता नहीं इनू की हो गया, इनू चेक कराना चाहिए आजा नु, ठंड लग गई है, नमूनिया हो गया, की हो गया कोई पता नहीं। धनिया हमें ये वाला मिला है तो हम यही ले जाएंगे क्योंकि ये हांडियों का है मेन हार श्रृंगार। तो अब वेजिटेबल वाली ऑयल से निकलेंगे और जो है जूस वाली ऑयल की तरफ हम बढ़ते हुए जाएंगे और ट्रॉली को पूरे ज़ोर के साथ हमने इस तरफ मोड़ना है क्योंकि एक हाथ से बन रही है वीडियो और एक हाथ से मैं पुश कर रही हूँ ट्रॉली की जिसकी की टांगें टूटी पड़ी हैं। तो यहाँ पे पड़े होते हैं जी फ्रेश फ्रूट जूस जूस नहीं जूस। तो यहाँ से देखते हैं तो आ जाओ भाई, ए केड़ा वे ट्रॉपिकल है, ये है ऑरेंज ये लेके गई थी और ये है एप्पल का, ये दो जूस मेरे घर में पिए जाते हैं शिद्दत के साथ, चाहत के साथ और शिद्दत के साथ। चलो भाई मैंने रखा, ये देखें कल मैंने बताया था यहाँ पे चावल लगे हुए हैं, वो पीछे एक थैला पड़ा हुआ है, वो भी मैंने कैमरा ऊपर करके देखा तो मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरी अपनी हाइट पे मुझे सिर्फ यही चावल नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर देखें एक थैला पड़ा हुआ है पीछे। तो शॉपिंग करके जी हम आ गए हैं घर पर, घर वाले तो अभी सारे सोए पड़े हैं और यहाँ पर टाइम देखे तकरीबन 11:30 होने वाले हैं, घर मेरा हले सारा सुता पे है। तो यहाँ पे जी मैं निकालूंगी बटर चिकन जो कि मैं मिक्स करवा के लाई हूँ, ये देखें जो बटर चिकन बनना है ना उसका चिकन, ये मैं वहीं से मिक्स करवा के लाई हूँ, देखो बड़ा मज़े का बनेगा ये वाला। तो ये देखें जी इसको मैं रख दूंगी ओवन में, तो ये उन्होंने मसाला बना के रखा होता है तो ये मैंने अपने हिसाब से जो था चिकन ब्रेस्ट उसको कट करवाया साफ़ करवाया और जो उनके पास मसाला बना हुआ था वही मैं वहाँ से लगवा के लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को ना इतना टाइम नहीं सी कि मैं इसको मैरिनेट कर सकती। तो ये देखें 9 बजे का ये मैरिनेट हुआ हुआ है और अब यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो मैं इसको रखने लगी हूँ ओवन में और फिर इसकी बनाएंगे ग्रेवी। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ दलीम का, दलीम बनानी है जी, कोई कहता है हलीम ना क्या करो पता नहीं, पर लोग कई हलीम भी कहते हैं पता नहीं है ना। तो चले यहाँ पर बन रही है दलीम, दालें बन गई हुई हैं, बीफ को जो है हम कर रहे हैं भून रहे हैं, यहाँ पे अंडे उबल रहे हैं, वहाँ पे चाय, तो ये देखें दाल का पानी निकला हुआ उबल गई सी, पर मैं अभी इसको नहीं करूँगी क्योंकि चूल्हे गर्म ने है ना। और यहाँ पे जी अंडे उबल रहे हैं, नाश्ता भी साथ साथ बन रहा है, यहाँ बन रही है चाय, जरा चूल्हे का नज़ारा तो लें आप। और यहाँ पे जी मैंने जो बटर चिकन का मसाला बनाना है, ये टमाटरों को मैंने दो दो हिस्सों में कट करके थोड़ा सा इनके ऊपर जो है ना सॉल्ट जो है वो डाल दिया था ताकि इनके छिलके जो हैं वो नरम हो जाए स्टीम में। तो ये देखें यहाँ से यहाँ पे जो है ना ये चिमटे की मदद से आपने ये इनके छिलके उतार लेने हैं, फिर इनको हम कर लेंगे ब्लेंड। ये देखें ये इसके अंदर जो पतीले के अंदर था ना अदरक लहसुन था नमक मिर्च हल्दी और जो मैं स्पेशल एक मसाला बनाती हूँ, वैसे ये सारी रेसिपीज़ जो है ना ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसलिए आज मैंने प्रॉपर रेसिपी नहीं बनाई। और यहाँ पे जो बटर चिकन का चिकन था उसको मैंने ओवन में रखा था तो ये देखिए इस तरह से इसका कलर होना चाहिए और ग्रेवी बन गई हुई है। ये सारा चिकन जो है हम इसके अंदर डाल देंगे अब। तो बस हांडियाँ जो हैं मैंने कच्ची पक्की करके रख दी हैं, जो दलीम है उसको बाद में तड़का लगाएंगे। यहाँ पे जैनब ने बनाई है शाम की चाय, मैं और वसीम बैठ के पियेंगे चाय क्योंकि अब्बू जी हो गए हैं ज़रा लेट तो इसलिए हमने कहा चाय पी लें। तो ये देखें इनको भेजा था मैंने किसी काम के लिए
पर इतना रश सी, कॉस्को भेजा था इनको मैंने, टू बिग थी क्यों, टू बिग। तो बड़ा रश वापिस आ गए। तो अब हम फिर ऐसे करेंगे, कल देखेंगे, यहाँ बुजिया लेते हैं ना, वहाँ से कुछ मंगवाना सी, तो देखेंगे फिर अब क्या करते हैं। यहाँ पे अब टाइम है 5 बज गए हैं पूरे, तो बस अबू जी को थोड़ा लग जाएगा टाइम, ट्रैफिक में फंस गए हैं, उनके बड़े वाले भाई जो है ना उनसे भी उन्होंने मिलना था, तो बस उनसे मिल के तो वो फिर ज़रा निकले हैं लेट, तो उत्तों फंस गए ने हूँ ट्रैफिक में। तो वो देखें पौने कितने बजे कह रहे थे पापा, कितने बजे तक पहुँचेंगे, 5:45 बजे तक, 5:45 बजे तक पहुँचेंगे। तो मैं बस यहाँ पे भांडियों को जो है इनको फाइनल करने लगी हूँ, हलीम को करेंगे वापस गर्म, इसको लगाऊंगी तड़का, और फिर जो है बटर चिकन, उसके ऊपर मैंने अभी डालनी है क्रीम और बटर और धनिया, तो बस उसको भी गर्म कर रहे हैं। अब हांडियाँ करिए वापस, तो ना जरा वही है इसके साथ, मैं देखो बटर चिकन माशाल्लाह आज बड़ा ही मजे का बना, बड़ा मजे का। तो अभी जैनब करेगी नान ऑर्डर करेगी, नान हम मंगवाएंगे द विलेज से, वहां से आएंगे रोगनी नान स्पेशल वाले, और साथ में जो है इसके हलीम के जो लवाजम आते हैं वो भी कट करेंगे, अदरक हरी मिर्च तेल लीमू, ठीक है। तो हम आए हैं जी, मैं और बच्चे, अबू जी के आने में अभी टाइम था, तो मैंने कहा कि हम यहाँ से देखें, बाकी तो दुकाना बंद हो गई ने, ये ले लो ये वाला, ये दादा अबू लेके भी जा सकेंगे, हाँ ये जो है ना ये लेके जा सकेंगे, फ्लावर फिर उनको लगाने पड़ेंगे, हैं वाइट वाइट भी अच्छा लग रहा है, वाइट ले लो। अबू जी जी माशाल्लाह पहुँच चुके हैं, बड़ी लेट आए हैं, लेट अब्दुल्ला दादा अबू आ गई हैं, क्या हाल चाल है, ले आओ मेरा बहुत सूट है, मुबारक हो, उम्र की मुबारक हो, बहुत बहुत ले आ जाओ, तो मैं ले आती हूं, हजारा मील सफर करते हैं तो एक फुट मैं चुक लेनी है, क्योंकि मैं नाल नहीं सर, सर तुम सब हो, आ जाओ आ जाओ आ गए, अब मैं बाहर रखो, खैर मुबारक हो, चलो मिलो दादा अबू को, अनु किधर है भाई, अबू नु अंदर ते जान दो कमरे च, हां बैठ जा, फक कर लो, द फोन इज मोर इंपॉर्टेंट, अब क्या कर रहा था मैं, मुबारक तो दे दे, कर लिया है, कर लिया है, हां हां सीढ़ियों से आया उसने कह दी थी, सबसे पहले वो द फर्स्ट वन, उसने ऊपर से मुबारक दी है उसने, नहीं 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 मैंने अबू जी से कहा, मैं कहा लाए मैं सूट के अंदर ले जाऊं, है अगो तुसी की किए, वसीम वसीम कहता चाय चाय मैं बूट नहीं लाए, चाय पी रही है वापस, नहीं मैं ऐ पूछा कि क्या पियोगे या खाना ही खाओगे, मुझसे पे कहना मत पूछते लान दे पहले, क्योंकि मैं हूं ना गड्डी चला के, तो मैंने कहा कि मैं पहले चाय कॉफी पी लूंगा, एकदम मेरे को नहीं नहीं अलग कॉफी, अलग हां अब कॉफी पिएंगे, अब मैं पता मैं मजाक कर मजाक कर रहे हूं, ऑर्डर किएंगे फ्रेश, बटर चिकन हम इसको फिर ना इसमें डाल के करते हैं गार्निश, चलो जी वो फ्लोर की, चलो धनिया के साथ इसको गार्निश, ये लो जी ये गई हलीम, हलीम निकालूंगी फिर इसके अंदर लगाऊंगी ना तड़का, सारी को नहीं लगाना, अभी मैं ऐसे डाल रही हूँ, बाद में मैं इसको फिर कर लूंगी साफ, ये तड़का दे होना जरा, आज मैंने लगा था बटर का तड़का, आज मैंने बटर का लगाया, चलो जी तड़का लग गया, तो इनको ये भी ले जा, पीछे 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 ये लें जे, हलीम आई जे, तड़का लगा हुई
तो ये देखें जी अबू जी माशाल्लाह आ चुके हैं और आप सब जिस जिसने दुआओं का कहा था ना अबू जी ने माशाल्लाह सबकी सबके लिए वहाँ पे दुआ की है। सबके लिए सब हाँ, हाँ देखा सा ना कितने कमेंट्स अन दुआ है ना सबकी मुश्किलात आसान करे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो चलें जी अब खाना खाते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह करें जी। यहाँ देखो अब्दुल्ला आपको क्या चाहिए अब्दुल्ला आपको ये मेरा प्लेट है आपने कब वापस जाना है जब दिल किया। हाँ दादा वो कमजोर हुए हैं ना। हाँ मैंने भी कहा है वहाँ चल वहाँ पे चलना पड़ता है। दादा अबू से अभी पूछ अभी थके हुए हैं ना जरा खाना खा लें फिर आप लोग करना इंटरव्यू। हाँ जी ये बटर चिकन के लिए डाल लो मेरा बेटा। ये देखो क्रीम है इसके ऊपर इतनी मजे की बिस्मिल्लाह ऐसे शाबाश। नान भी दो कि चमची के साथ खाली बोटी खानी है। कैसी बनी है मुझे हलीम कैसी है बहुत टेस्टी वेरी नाइस मजे दिया। मैं कहा जिस दिन तुसी चले सो उम्र ते असी उस दिन बनाई सी याद है वसीम मैं तुम्हें फोन ते क्या सी हलीम खानी है ते आ जाओ है ना ये वो ही वाली नहीं है मैं आज ताजी बनाई है कहती है वो कहती जी ये वो ही वाली है हमने फ्रेश में रख दी थी नहीं ये तो मैंने आज फ्रेश बनाई है। तो यहाँ पे जी ये मैंने डाला है बटर चिकन ये जाएगा गिरिमा के घर। अनम ये बंद करो मैं अभी आई आ जाओ भाई। गिरिमा की ना मामा को बटर चिकन बड़ा पसंद है बड़े मज़े से खाते हैं ये बटर चिकन। मैं कह मैं देख के आवा देखो मुझे इतना अच्छा लगता है ना इनकी ये किचन की लाइट ऑन होती है किचन की लाइट ये सुबह भी ना हमसे पहले उठे होते हैं बड़ी जल्दी उठते हैं बैल दी है देखो कौन आता है मीनाक्षी खुद ही आ रही है। गिरिमा की मामा का नाम है मीनाक्षी। हेलो ये लो क्या लेके आए हो ये बटर चिकन मैंने बनाया था मैं क्या आपको देख रहा हूँ। चलो नहीं नहीं वो मेरे ससुर आए हुए ना अच्छा। उमरा करने गए हुए थे तो वो आए हैं हाँ अच्छा दूर है वो तो बहुत है ना। हाँ मैं तो मतलब हमने तो उसमें देखा है मतलब टीवी में चलो इसके साथ अगर तो राइस बनाने हुए राइस बना लेना नान हुए या रोटी कुछ भी खा लेना ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है ओके 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 बाय बाय। तो मैंने उनको जो है दलीम वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो बीफ की है ठीक है ना तो वो नहीं खाते बीफ। तो यहाँ पे जी मैंने डाली है खीर दो प्यालियों में अबू जी के लिए और वसीम के लिए। तो चलो जी इधर चल के इनको देखते हैं खीर ये लें जी खीर खाएं खीर वनीला आइसक्रीम कितने से अंदर नहीं इतना ठंडा नहीं बहुत हाई हो जाएंगियां कैलोरीज ते कोलेस्ट्रॉल लेवल तड़ा दोनों दा पता चले ना मेरी थोड़ी कम कर देंगे वरना मेरी ना बहुत ज्यादा हो जानेगी छोटी है प्याली कोई नहीं खा लें खाएं पिए ऐश करें जिंदगी के मजे कैश करें। तो यहाँ पे जी वो वाली खीर खाई जा रही है जो फायजा ने उस दिन बनाई थी। कैसी है अबू जी उम्दा टेस्टी हाँ बड़ी अच्छी खीर थी जी वसीम को भी बड़ी पसंद आई है माशाल्लाह और डिफरेंट है ना हम वो बनाते हैं ना दूसरी एम लादा सही जन चावला वाली नहीं मीठा बड़ा सही है ना। हाँ मीठा भी हाँ मीठा भी माशाल्लाह अच्छा है हाँ नहीं मजे की डिफरेंट है हाँ रियाल है रियाल ये जैनब का It's just like a souvenir it is. चलो ले लिया वो जैनब क्या जैनब का जैनब पकड़ लो it has Mufti Mank on it. हाँ जैनब को भी मिला सबको मिला एक एक ये देखे थैंक यू मुझे भी मिला है अबू जी से ये देखे अब एक मिलेगा वसीम को guys jo I'm so scared when I play Sima Bole Wasim is the big boss he'll get two reals two
वसीम को जी 2 रियाल मिले हैं, वसीम की वसीम की प्रमोशन हो गई है। गुड हो गया, गुड हो गया। ये देखो मेरे पास ये है। एक्चुअली ना मन आईडिया है ऐसे होते मेरे को ते ऐसे वन मैं गो टू कॉइन या स्पेंड कर नो देन आई सडनली एन अ कॉइन्स मैं सेव कर हां तो मन आईडिया यू नो आई आवांगा ना तो मैं एक एक कॉइन दे दूंगा एक एक से सोवेनियर सही है अब ये याद रहेगा दे आर नॉट लाइक मच इन वैल्यू मनी वाइज पर दादा अबू ने दिया तो इसकी तो फिर और ही वैल्यू है ना, है ना। कोई आप ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में जाते हैं तो आप उसके कॉइन जरूर संभाल के रखते हैं साथ ले जाने के लिए, तो याददाश्त के लिए, उसके याद के लिए। हाँ 1 pound का लगता है ना। आपने क्या बोला? Before Dabu gave us this, it was worthless, now it's priceless. Actually, it was worthless. It's worthless. Yeah. ये अब्दुल्ला संभाल के रखेगा, है ना अब्दुल्ला? चलो इधर रख दो अब्दुल्ला दादा अबू के पास ताकि उनके लिए खोलना इजी हो जाए ना। खुल जा सिम सिम होने लगा। ये देखो कैसे बैठे हुए चीज़ें लेने के लिए। ये देखो ये पड़ा हुआ अभी जमजम। भाई मेरी गाल सुन लो, सीधा सीधा मेरे घर का रूल है, व्हाट गोज ऑन दिस टेबल स्टेज ऑन दिस टेबल, व्हाटएवर इज इन द सूटकेस स्टेज इन द सूटकेस, वो सूटकेस में रहेगा। हां अजवा सबसे बेस्ट है। हां अजवा, आई थिंक दैट इज आल्सो अजवा। इसके बारे में हदीसें भी हैं। हां और मुझे किसने कहा था कि वसीम को कहें कि ये खाएं अजवा, उनके लिए अच्छी थोड़ी बहुत। अनम के लिए दादा वो तेल लेके इसमें से। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये देखो कितना प्यारा है। हाँ उसके साथ रखो, जहाँ अभी इधर ही रखो, नीचे ही रखो। अब्दुल्ला देख कितना नाइस है माशाल्लाह। ये देखो ये क्या है अब्दुल्ला, दादा के पास जाओ। माशाल्लाह अरे वाह, उसके साथ क्या कहते हैं दादा अबू को? चलो हाँ बड़ा नाइस है ये। ये देखो पापा के लिए भी आई है ये, हाँ ये वाली अच्छी है। हाँ ये क्रोशिया हुआ होता ना, ये बड़ी अच्छी है देखो, सॉफ्ट है। नहीं नहीं पापा को पूरी आएगी, छोड़ दो। ये लो भाई अनम को पहन के दिखा दो, अनम वो देख लो पापा पहन लगे, अनम वो देखो पापा ने पहनी है। अच्छी लगती है, अच्छी लग रही। ये देखो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है कुछ, वाह जी वाह माशाल्लाह। हाँ ये उधर ही रखना टीवी ट्रॉली पे ना, वहाँ से फजूल की चीजें उठाना ना। दिखाओ अब्दुल्ला आपके पास कौन सा है, अल्लाह वाला होगा। ये देखो हाँ वो अल्लाह, हाँ वो अल्लाह, ये मोहम्मद है। कितना नाइस है ना, गोल्डन है ना, ये सारा गोल्डन गोल्डन हो गया ना। थैंक यू भाई बड़ा बढ़िया। ये देखें जी अल्लाह और मोहम्मद। तो ये है जी आप जमजम 5 लीटर का। ये देखें ये भी अबू जी लेके आए हैं। देखो तस्बी आई है, तस्बी ये अब्दुल्ला को मिली दादा, दिखाओ अब्दुल्ला। हाँ ये वाली ये अच्छी है, ये 33 वाली, 33 वाली अब्दुल्ला आप लोगों को पढ़नी आसान हो गई। हाँ ये वाली इजी हो जाएगी ना पढ़नी। नीचे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का तो ये फेवरेट है अब्दुल्ला। ओ चलो अब्दुल्ला कॉरिडोर में करना, कॉरिडोर में। एवरीबॉडी फूड इट ऑटोमेटिकली गोस फूड फॉरएवर। हां गिव इट टू मी,
बस अब्दुल्ला दे आ रहे लग गया अजे ते कोरिडोर च बैठ गया ही कुछ करना है ओ गई अब्दुल्ला दादा मुंह ला रहे ये देखें मेरे लिए क्या आया है थैंक यू ये देखें जी मुझे क्या मिला वाह जी वाह जबरदस्त जो मेरे पास पहले है ना वो सेम यही बोतल है ये सबसे महंगे वाला वो डार्क में हाँ ये देखें जी ये आया मेरे लिए ये बड़ा जबरदस्त है इसकी खुशबू इतनी मजे की है मेरे पास ना पहले भी था इसमें वो पर वो डार्क वाला है ये लाइट वाला है ये इसका जो कलर है ना ये बड़ा जबरदस्त है ये देखें अनम को मिला की चेन अनम की वाह अनम तो बड़ा नाइस है दिखाओ इधर फेवरेट कलर फेवरेट इधर कलर भी है फेवरेट जब्बू जी वाला हाँ तो यहाँ पे जी गिफ्ट मिल रहे हैं सबको मुझे ऊट मिला है बड़ा जबरदस्त बड़ी मजे की खुशबू है उसकी मुझे एक ऐसे बैठे देखो इतना कुछ मिला है अनम लाओ पापा निकाल देते हैं छोड़ दो ये देखें कितनी नाइस है ये ब्रेसलेट ये अनम को मिली है जी और ये सब की हैं चार लाइबा की चार जैनब की और चार अनम की वेरी नाइस अनम के लिए पिंक कलर मुल्क अच्छा वो देखो 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 उधर देखो दादा वो क्या निकालने लगे वाह जी वाह स्कार्फ्स आए ये क्या आए है अरे वाह ज़ैनब दिखा हाँ ज़ैनब के साइज का है पूरा पूरा फुल फुल लेंथ हाँ माशाल्लाह ब्यूटीफुल है माशाल्लाह ये लो ज़ैनब की तो मोजे ऐसे भी चलो जी बस ये पहनना ना अब इनको इस्त्री ना लगा लेना ये कैसे ये ऊपर ये पहन के दिखाओ इसके ऊपर ही पहनो जरा ये बड़ा नाइस है ज़ैनब इसके ऊपर ये जो सारा हुआ हुआ है ना काम ये बड़ा नाइस है बाजू देखो हाँ नहीं बिल्कुल ठीक आया साइज मेरा लेना थे एक्सेल लिखा है वरना क्या सी थे इतना अच्छा लगा माशाल्लाह गुड ब्लू वाला भी चलो पहनना अब इनको अच्छी तरह से हंडाना हंडाना एक वो हाँ ये भी बड़ा अच्छा से भी है ना ब्लैक स्कार्फ दोनों के साथ ये लो ये स्कार्फ भी है इसका दादा अबू ने सही शॉपिंग एंड पे निकाली ज़ैनब की पूरी है ना ब्लैक ग्रे एंड ब्लू ग्रे दिखाओ ज़ैनब दादा अबू को ग्रे वाला सारे ही बड़े नाइस ने ऐ वाले देखो है भी नहीं सन ऐ वाले हां अच्छा भी जिप वाला ना है भी जिप वाला है भी क्या हां ये नाइस है अगर मेरे मुंह पे छुपा ना होएगा ना मैं इसको मुंह तक बंद कर दूंगी चलो थैंक यू अबू जी शुक्रिया थैंक यू सबकी चीजें बहुत अच्छी हैं सबके गिफ्ट वेरी नाइस माशाल्लाह अनम खुश हो वो ज़ैनब की तो ज़ैनब की लॉटरी निकल आई ज़ैनब की माशाल्लाह बाया हाँ उसके पता वो जो पहन रही थी ना एक को तो इस्त्री लग गई हुई थी तो कहती थी कि जा रहे हैं तो लेके आ रहे हैं साउथ में कहा जाएंगे किसी लंदन गए थे हाँ वहां से लिया था हाँ वो पहनती यही है ना ज्यादा तो ये तो उसके बाद था पास तो कहते नहीं कैश ओनली पैसे कैश करता कि इसने नहीं ले के ही जाना हां चलो अच्छा हो गया सही कलर भी बड़े अच्छे हैं और इसके ये इसको पसंद है ये वाले कलर ना नाइस है जेबी ये वाला भी हां ठीक है था नहीं सही है ठीक है बिल्कुल सही है कलर के लिए चाहिए ये देखो ये वाले कितने जबरदस्त क्या है ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਦ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ ਫਰਸਟ
उठाओ भाई अब ये आई अच्छा ये आपकी ये दो आपकी वो अब्बू की है ना वो वाली अब्बू रखे अब्बू जी तो सी रखो है वाली मैं आंखें बंद करके सेलेक्ट की थी ना हां वो ये उन दो में से हां मुझे पता है दो ए अब्बू कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को ये पसंद आ गया तो तुम ये अच्छा चलो ये रखो ए दो ये अच्छा नाइस है ना ये ओ सो नाइस हां मटेरियल भी अच्छा है इनका ना मैंने सुना था कि वहां पे ये जाय नमाज तस्बीहां ना इन्होंने बढ़िया महंगी आनी उठे हां क्या आया अब्दुल्ला कैमल आया अरे भाई ये अपने टेबल पे रखना हाँ ये पाकिस्तान ले जाना पहन लेना वहाँ पे ये बड़ा नाइस हाँ बड़ा अच्छा है बेशक ट्रेवल में यही पहन लेना जाना हाँ ये देखो ये पढ़ना फिर जब आप लोगों ने जाना होगा ना आपको पता होगा इन जगहों का बल्कि मुझे भी नहीं पता मैं भी देखूंगी ये कौन कौन सी है थैंक यू ये देखें जी अब्बू जी ये लेके आए हैं एक मक्का से है और एक मदीना से है ये क्या है ये देखो भाई दादा अबू से क्या मिला है अब जब मैं उम्रे पे जाऊंगी बस मैं यही लेके जाऊंगी आ जाओ ज़ैनब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये लो ये दादा अबू के प्रेजेंट क्योंकि फिर जो फूल होते हैं बुके वो फिर आपका डायोजन था हाँ क्योंकि आपने यहाँ पर वन वीक के लिए रहना इसको पानी देना इसकी खिदमत करना फिर आप लेके जाना चलो दो दादा अबू को आज हमने आपके लिए शॉपिंग करनी थी कोस्को से पर गए ते ओदे अंदर ही नहीं गए फिर वो वाली शॉपिंग हमारी रह गई मैं क्या चलो भाई अभी तो अबू जी को ये नहीं आपके लिए कैपिचिनो मैं क्या अबू जी कैपिचिनो बना के पियेंगे और ये है आपका गिफ्ट सेट मतलब अब्दुल्ला दादा अबू को क्या दिया देखो मुझे दादा अबू से क्या मिले हैं रियाल मिले हैं रियाल है वाजी वाह है देखो अबू ने मुझे पकड़ाए हैं मैं तो रियाल फाड़ के नहीं देखे अच्छा ये ले चेक करो बड़ी अमीर फीलिंग आती थी आप फाड़ के अमीर फीलिंग आती है ना वो देखो जरा दादा अबू ने खोला गिफ्ट यहां पर ये वाला फूल दिया था अब्दुल्ला इतना बदतमीज है अब्दुल्ला देखो कह रहा है दादा अबू के सर पे हाथ फेर के कि ये हेयर के लिए बेटे दादा अबू के सर पे कुछ कुछ बाल हैं अभी ये देखें ये अब्दुल्ला के लिए आया बड़ा अच्छा ये इसको ना अपने वहां रखना स्टडी टेबल पे तो यहाँ पे जी अबू जी के लिए मैं बनाने लगी हूँ कैपिचिनो है वाली ये देखें ये उनको मैंने गिफ्ट भी की है उनको ना बड़ी पसंद है ये जो कॉफी हम पीते हैं ना तो वसीम और अबू जी बैठ के बातें कर रहे हैं मैंने अपने लिए और वसीम के लिए बनाया था गोल्डन मिल्क तो अबू के लिए बनाने लगी हूँ कॉफी वसीम अपने कॉलेज के किस्से कोई सुना रहे हैं अपने अब्बू नू तो कैटल का पानी जी हो चुका है गर्म तो उन्होंने कहा फेंटना नहीं है आप ऐसे ही ले आए पर मैं फेंट के लेके जाऊंगी बिस्मिल्लाह इंज ये देखिए ये हम इसको फेंटेंगे इसके सारे कोनों में से मग के कोनों में से इसको निकालेंगे भाई बच्चे नहीं जाए मेरे सोंदे पे वो कहते हैं ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया कि दादा अबू संडे को आए सैटरडे को आना चाहिए था हमारी तरफ ताकि से सारे लेट सुन दे बिस्मिल्लाह ये देखें जी ये बन गई मज़े की और इस टाइम पता क्या रात के 9:30 का टाइम जे बच्चों सो जाओ सुबह फिर मैंने उठाना है जल्दी ये देखे जी थोड़ी जी चलो भाई दादा अबू की कॉफी बनाई है ये फेंको बिन में अनन पकड़ो हम तो लॉस पी
हाँ ले लो इस टाइम खाना अब लाइट बंद कर देना किचन की फिर ये ले अबू जी ये ले ये देखो ये कैसी जबरदस्त बनी है।